रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी बैठक हुई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान को मिलाकर कमेटी गठित की गई। कमेटी के समन्वयक चुने गए छत्तीसगढ़ अध्यक्ष रमन सिंह, तो विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को समन्वय कमेटी का यहां पर आपको बता दें कि अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समिति के सदस्य बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जल्द ही संसदीय कार्यक्रम होंगे। छत्तीसगढ़ में संसदीय कार्यक्रम जनवरी 2025 में प्रस्तावित है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा में सज चुके हैं, करो करते हैं। रोहित, इस पूरे घटनाक्रम पर ये जो पूरी जानकारी, ये जो खबर है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी साझा करें। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों बैठक को लेकर तमाम जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया था और ये कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित था। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो तमाम राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको एकजुट करने का प्रयास जो है वो संघ कर रहा था और इसको लेकर एक बड़ी बैठक हुई। और बड़ी बैठक पर क्योंकि हाल ही में ये तीनों राज्यों में चुनाव हुए थे, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और तीनों राज्यों में चुनाव लगभग 9 महीने पहले हुए थे, तो ये तमाम लोग जो सदस्य कमेटी थी उससे बाहर हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से इनको सदस्य बना लिया गया है और तीनों राज्यों की एक कमेटी बना दी गई है। और कमेटी की समन्वय की जिम्मेदारी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को दी गई है, यानी कि ये तीनों राज्यों में जो भी संसदीय कार्यक्रम होंगे, संसदीय गतिविधि होगी, उनको समन्वय करने का काम जो है वो रमन सिंह संभालेंगे। इसके अलावा सदस्य जो है मध्य प्रदेश के अध्यक्ष को बनाया गया है, इसी तरीके से राजस्थान के भी लोग शामिल है, उनको भी सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर संसदीय कार्यक्रम हो, संसदीय कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, इसका प्रयास है। और जनवरी 2025 में, संभवतः जनवरी 2025 में एक बड़ा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखा जा सकता है, जिसमें चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे अन्य राज्यों के जो तमाम अध्यक्ष हो, समन्वयक सदस्य हो, वो तमाम लोग यहां पर आएंगे। राधा,